आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। विश्वजीत महापात्रा, डीजी विशेष जांच सुनील कुमार गुप्ता को एडीजी बनाया गया। दूरसंचार बने हैं तो रवि जोसेफ एडीजी कानून व्यवस्था, जीएसओ लखनऊ ज्योति नारायण आईजी कानून व्यवस्था बनाए गए, तो विजय प्रकाश आईजी फायर सर्विस बनाए गए हैं, एन रविंद्र डीजी प्रोविजनिंग और बजट बनाए गए, तो धर्मवीर आईजी होमगार्ड लखनऊ बनाए गए हैं, शगुन गौतम एसपी रामपुर बनाए गए, संतोष कुमार मिश्रा को प्रयागराज के मुख्यालय एसपी की जिम्मेदारी दी गई है, मनोज कुमार सोनकर सुननायक 8वीं बटालियन, सूर्यकांत त्रिपाठी सुननायक 44वीं बटालियन की जिम्मेदारी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, 12 आईपीएस अफसरों के तबादले। बिल्कुल, प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और उसके दुरुस्त करने के लिए बड़ा फेरबदल है। 12 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें बड़े नाम हैं शामिल हैं और इनको तत्काल तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पिछले दिनों कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्ती बरत रहे थे और लगातार निगाह बनाए हुए थे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को सही किया जाए और अच्छे अधिकारियों की अच्छी जगह पे पोस्टिंग की जाए जहां पर उनको जरूरत है। इसके क्रम में ये बड़ा फेरबदल किया गया है और 12 आईपीएस अफसरों के तबादले कर उनको तैनाती दी गई है। इससे उम्मीद जा सकती है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम दिक्कतें आ रही थी उसको दूर करने में पुलिस को सहयोग मिलेगा और कार्य की गति तेज हो सकेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार इस तरह के ट्रांसफर, इस तरह के कदम योगी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से 12 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, इसके पीछे क्या आधार बताया जा रहा है? क्या इन लोगों का अच्छा काम देखकर इनके तबादले किए गए हैं कि जहां पर इनके तबादले हुए हैं वहां उनकी जरूरत, या फिर कोई कोताही जो लापरवाही है वो सकती है यहाँ पर इस फेरबदल के जरिए? बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं तो निश्चित तौर पे हर बिंदु को जांचा परखा जाता है। कहीं कहीं पे कानून व्यवस्था को लेकर कुछ अधिकारियों द्वारा दिक्कतें होती हैं तो वहां पर तेज तर्रार अधिकारियों की तैनाती की जाती है और कहीं कहीं पे कुछ कानून व्यवस्था को लेकर भी दिक्कतें रहती हैं, कंप्लेन रहती है या वहां पे उनकी जरूरत खत्म रहती है, प्रमोशन रहता है। तो इस तरीके से तमाम चीजों को ध्यान में देखते हुए तबादले किए जाते हैं, जिसमें अनेक दिन होते हैं, सबसे समीक्षा की जाती है, इसके बाद ही ये तैनाती की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है, बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। चलिए नरेंद्र, शुक्रिया जुड़ने के लिए।